हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आज हम जा रहे हैं रुद्रा के लिए किंडी गार्डन देखने। तो सबसे पहले हमने हमारा मेल बॉक्स चेक कर लिया, उसके बाद मैं अपने गाड़ी की तरफ जा रहा हूं। और यहां पर काफ़ी अच्छा ही वेदर है न्यूजीलैंड में। हम ऑकलैंड शहर के अंदर रह रहे हैं, तो अभी हम यहां से अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं गाड़ी में बैठ गया और अभी मैडम जी कैमरामैन बनी हुई है, वो भी गाड़ी में आ गई है। और अभी सेफ्टी फर्स्ट, सो सीट बेल्ट लगा ली है। सीट बेल्ट के बिना यहाँ पर चलान हो सकता है इस देश के अंदर। तो अभी एसी ऑन कर लिया है, गियर लगाया और गाड़ी कर ली स्टार्ट। और ये भाई एलर्सरी का एरिया है, हम यहाँ पर अभी रह रहे हैं इस एरिया के अंदर करंटली। और न्यूजीलैंड हमेशा से आपको ऐसा ही दिखेगा, ग्रीन कंट्री है, हर तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिलेगी। तो ये आ गया है रुद्र का आंगनबाड़ी सेंटर, तो ये ऐसे दिखता है बाहर से भाई। एडवेंचर लैंड इसका नाम है। अभी हम इसकी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। पार्किंग लगाने के बाद हमें इसके ऑफिस में जाना होगा, बिकॉज आप ऐसे नहीं विजिट कर सकते, आपको पहले नोटिफाई करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले रखी है ऑलरेडी, तो अभी हम उनके ऑफिस में जाएंगे। और अभी पार्किंग लगा दी गई है, मैडम जी बाहर आ गए हैं। और उसके बाद ये है इनका ऑफिस, यहाँ पर अंडर कार पार्क भी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस में, और यहाँ से हम मैडम को लेके इनके एंट्रेंस एरिया के अंदर आ गए हैं। यहाँ से हम आंगनबाड़ी के अंदर जाएंगे, ये सेफ्टी नेट लगा रखा है। और अंदर से आंगनबाड़ी सेंटर आपको ऐसा दिखेगा, काफ़ी ही मैनेजेबल है, काफ़ी सुंदर था। और आउटडोर भी एक्टिविटी कराते हैं। और ये इन्होंने हमें ब्राउसर दिया है, इसमें फी स्ट्रक्चर और कब किस समय क्या मील देंगे, ये कैसे खाना खवाएंगे, कितने टीचर अवेलेबल हैं, किस एड्रेस पे आपको यहाँ पर बच्चे को ड्रॉप करना है, कब आ सकते हो, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारा मन कॉफ़ी पीने को करा, और ये मैकडोनल्ड्स हमें दिख गया, हमारे घर के काफ़ी पास ही है। मैंने सोचा क्यों ना ड्राइव थ्रू में ले लिया जाए, तो मैंने गाड़ी को ड्राइव थ्रू में घुसाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर काफ़ी सनी वेदर है आज, और ये है मैकडोनल्ड्स का ड्राइव थ्रू। और यहाँ पर हमारे आगे कोई भी कार नहीं थी, तो ऐसे करके आपको विदेशों के अंदर मैकडोनल्ड्स के ड्राइव थ्रू दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको स्पीकर बॉक्स के ऊपर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। हमको कॉफ़ी पीने का मन करा, तो हमने यहाँ से फ्लैट वाइट कॉफ़ी ऑर्डर करी। यहाँ पर आपको गाड़ी को रोकना है और यहाँ से आपको ऑर्डर प्लेस करना है। अंदर से आवाज़ आएगी, वेलकम टू द मैकडोनल्ड्स, और आपको वेट करना है। उसके बाद हमने ऑर्डर प्लेस किया, और ऐसे करके स्क्रीन दिखती है, आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे, जो भी आपको ऑर्डर करना है ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट विंडो पे जाना है, और यहाँ पर आपको माया देनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले माया को डिडक्ट करेंगे अपने अकाउंट से। तो ये $5 एक स्मॉल फ्लैट वाइट का यहाँ पर हमें चार्ज हुआ। और ये गौरी मैम ने हमसे पैसे ले लिए, और उसके बाद इसने हमें रिक्वेस्ट किया कि गो टू द नेक्स्ट विंडो। तो ये एक कॉफ़ी का ऑर्डर है, तो मैकडोनल्ड्स के अंदर आपको टू विंडो मिलेगी आगे, एक आपको फूड की और दूसरी आपको मैक कैफ़े ऑर्डर की। तो ये है मैक कैफ़े की विंडो, हमने यहाँ पर गाड़ी को रोक लिया और हम यहाँ पर कॉफ़ी का वेट कर रहे थे। तो इस बीच में मैडम के साथ बत्ते मार रहा था, मैडम को बता रहा था कि आज हम व्लॉग बना रहे हैं काफ़ी समय के बाद। और इसके बाद जस्ट हम कॉफ़ी का वेट कर रहे थे, क्योंकि बिना कॉफ़ी के भी कोई भी जीवन नहीं है भाई। बिना कॉफ़ी ये आ गई मेरी कॉफ़ी, ये काफ़ी, मैं कॉफ़ी को बहुत पसंद करता हूं। और ये वाव, कॉफ़ी पीने के बाद ऐसे होता है वाव वाव फीलिंग आती है। और अब इंटरेस्टिंग पार्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक कॉर्नर में कैफ़े था, बट मैं इसका नाम तो नहीं लूँगा। आप लोग कमेंट में लिखो ये आपको नाम कैसा लगा, गोरे लोग ज़रा सोचते नहीं हैं इंडियन भाइयों के लिए कि भाई ऐसे नाम मत लिखो, हमें बताते हुए बहुत शर्म होती है। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग पवन एनआरआई।